इस प्रॉब्लम के अंदर वो कह रहे हैं एक मास है m, पांच यूनिट्स हैं, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v, तो m पता है, v पता है, mv पता है एक्स वाई प्लेन में, और इस लाइन के क्रॉस y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, इस लाइन के अलोंग वो मास चल रहा है इतने वेलोसिटी के साथ। क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालने के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला एल इज इक्वल टू आर पी वाला, मतलब पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, और दूसरा आई ओमेगा वाला। ओमेगा मेंशन ही नहीं किया तो आई ओमेगा नहीं लगेगा। क्या लगेगा? लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। आपको कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं गिवन, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालना है तो अंडरस्टूड है कि मैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही निकालूंगा। अब आपकी जो बॉडी है वो लाइन की इक्वेशन के साथ चल रही है। लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है? वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन बनेगी, सबको पता है, स्पेशली मेडिकल वाले लोग, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और दूसरा, जब एक्स जीरो है तो वाई कितना है? फोर। तो आपकी लाइन कहाँ से क्रॉस करेगी? जीरो कॉमा फोर। और जब वाई जीरो है तो एक्स कितना है? माइनस फोर। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस फोर कॉमा जीरो। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर चली गई, तो स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन में ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये रहा, और इसका मास कितना है? फाइव। इसकी वेलोसिटी कितनी है? थ्री रूट टू। तो ये इसका मोमेंटम आ गया, लीनियर मोमेंटम आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लीनियर मोमेंटम आ गया। अब आपको एक फॉर्मूला पता है एंगुलर मोमेंटम निकालने का, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। स्केल लो, ये एक्सिस है, ओरिजिन है, स्केल से ड्रॉ कर दो, ये आर आ जाएगा। ये क्या आ गया इसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर तुम अपना मैथ्स लगा के मुझे आर बता दो तो मैं पी इंटू आर करके एल निकाल दूंगा। आर निकालना इजी है, ये आर 90 डिग्री पे है, ये फोर साइड है, ये भी साइड फोर है, तो ये एंगल कितना है? 45 है, राइट एंगल है, 45 डिग्री है। अब ये 45 है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड फोर है, ये आर है, तो साइन ऑफ 45 क्या होगा? साइन 45 इज इक्वल टू आर अपॉन फोर। तो आर की वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू साइन ऑफ 45 आर आ गया। तो तुम पी को आर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। मेथड समझ में आया कि क्या लॉजिक है? लीनियर मोमेंटम पी को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। देखो वो ना ऐसा होता है, ये जरूरी नहीं है कि आप एंगुलर मोमेंटम को निकाल लो कि आपको बॉडी घुमा के दिखाई जाए। आप ये मान सकते हैं कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट जा रही है, एम वी, आप वेक्टर बड़ा क्यों बना रहे हैं? आप उस इंस्टेंट की बात करें, है ना। तो जैसे अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमती है और ये इसका एक्सिस है, अगले इंस्टेंट में नहीं आई तो नहीं आई, पर अगर मान लो घूमे तो एक्सिस के हिसाब से पी इंटू आर से तो आई जाएगा, इतना उस इंस्टेंट पे होगा। घूम गई तो अगला चेंज हो जाएगा, नहीं घूमी तो सीधा चला जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ निकलता है, निकल सकता है। और वैसे मैं बता रहा हूँ, ये हम ना लेते हैं टेंजेंशियल, लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट ये सर्कुलर बॉडीज में ही होता है, पर वो निकालने का तरीका है कि पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और चाहिए नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वैल्यू ही है, करेंगे क्या, करके कर भी सकते हैं, लंबा हो जाएगा, इससे छोटा नहीं हो सकता, मतलब पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा कुछ भी ना होगा। नेक्स्ट है, अच्छा ये एल का क्वेश्चन, ये टॉर्क का क्वेश्चन है, क्या फर्क पड़ता है? एल का फॉर्मूला आर इंटू पी है और टॉर्क का फॉर्मूला आर इंटू एफ है। तो तुमने एक बॉडी गिवन है और यहाँ पर कुछ फोर्सेस लग रही हैं, तुम्हें नेट टॉर्क निकालना है। तो क्या करें? ये फोर्स 8 न्यूटन की है, 30 डिग्री पे है, ये एक्सिस है, तो फोर्स में और आर में एंगल 30 है, तो टॉर्क क्या बनेगा? आर एफ साइन 30। और ये बॉडी को कैसे घुमाएगा? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर इसकी बात करते हैं तो क्या आएगा? 4 इंटू आर, आर इंटू फोर टॉर्क आएगा, लेकिन बॉडी को कैसे घुमाएगा? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसकी बात करते हैं तो आर इंटू नाइन आएगा, कैसे घुमाएगा? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसकी बात करते हैं तो टॉर्क क्या आएगा? क्यों, हाँ, आर और एफ में एंगल ही जीरो है, आर एफ साइन जीरो इज जीरो, तो ये कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेगा। तो इस केस में जो क्लॉकवाइज टॉर्क हैं उनको पॉजिटिव ले लें, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लें, या बड़े में से छोटे को माइनस करके नेट टॉर्क निकाल लें। मेथड समझ में आ रहा है कि आर एफ साइन फाइव को कैसे यूज़ किया हमने, नेट टॉर्क की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये हाँ, ये क्वेश्चन के अंदर आपको एक फैक्ट याद करना पड़ेगा, बताता हूँ क्या। वो ये कहते हैं एक डिस्क है,
एक डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है और वो रोल कर रही है आगे की तरफ। डिस्क का एक पॉइंट है ए और वह एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। जब एक डिस्क रोल करती हुई एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो हमने किया था क्लास में उसका सेंटर ऑफ मास एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस क्या कवर करता है 2πr। और हमने मेंस की प्रॉब्लम की भी थी वो डिस्प्लेसमेंट निकालो हाफ रेवोल्यूशन में लास्ट टाइम थी। इसने कुछ और ही पूछ लिया, दो क्वेश्चन पूछ लिए। डिस्क अगर यहाँ पे ए पॉइंट है जब ये घूमेगा तो ये पाथ ट्रेजेक्ट्री का फॉलो करेगा, ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा। देख रहे हो ए पॉइंट जमीन से उठ के फिर जमीन पे आएगा, फिर जमीन से फिर जमीन पे आएगा, ऐसी फिगर बनाएगा और इस फिगर को बोलते हैं साइक्लॉयड। बार बार रेपिटेशन में जब ऐसी फिगर बनती है उसको साइक्लॉयड बोलते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया उसको साइक्लॉयड मार्क करना। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, एक चक्कर में ए पार्टिकल जमीन से जमीन पे आएगा तो जमीन से जमीन आने पे उसे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा। तो ये नहीं, ये सर्कल नहीं है, साइक्लॉयड थोड़ा सा चेंज होता है। एट आर, ये फैक्ट याद करना है। साइक्लॉइड्स के फिगर हमारे कोर्स में नहीं है तो मैं मैथ्स का टीचर भी नहीं करवाएगा। एलिप्स है, सर्कल्स हैं, सब कुछ है, साइक्लॉइड्स का मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है। ये आपको याद, आपके ऑब्जेक्टिव बुक्स में किसी स्टूडेंट का डाउट था तो मैंने इसमें नोट कर लिया। तो डिस्टेंस जो है जो कवर्ड है वो एट आर मार्क करना है इसमें, ठीक। तो ये बहुत लोगों को डाउट आ जाता है जो लोग बुक सॉल्व करते हैं, तो फिर वो पूछते हैं कि कैसे, तो इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। साइक्लॉइड स्टडी करना है तो जाओ, जितना मर्जी स्टडी करो कुछ मिलेगा नहीं, मैं ये बता रहा हूँ आपको, मत करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है। इस क्वेश्चन में एक डिस्क है और वैसे घूम रही है, ये देख रोटेट कर रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस फिक्स्ड है, अ थिन कॉटन पैड इज फिक्स्ड टू इट्स रिम, रिम के ऊपर एक रुई कॉटन का पैड लगा दिया गीला है और उसमें से पानी टपक रहा है, टच कर रहा है इसे और इसको गीला करता जा रहा है तो इसके बूंदें गिर रही हैं। अब वो कह रहे हैं कि अ थिन कॉटन पैड इज फिक्स्ड टू इट्स रिम विच कैन एब्जॉर्ब वाटर, मतलब पानी गिर रहा है इसके ऊपर पैड लिपटा हुआ है और पानी को क्या कर रहा है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी गिर जाएगा ना नहीं तो। पैड यहाँ पे, हाँ सर्कमफ्लेंस पे, राइट, सर्कमफ्लेंस पे पैड लगा दिया, रुई लगा दी, कॉटन पैड लगा दिया और पानी इस पे गिर रहा है जो पानी इसके ऊपर एब्जॉर्ब होता जा रहा है। पानी जो गिर रहा है वो कैसे गिर रहा है, म्यू पर सेकंड, म्यू केजी पर सेकंड कर सकते हो, म्यू अमाउंट ऑफ पानी गिर रहा है एक सेकेंड में। आपको ये बताना है एट वॉट टाइम, समय बताना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क गेट्स रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो डिस्क अच्छी वाली घूम रही थी ओमेगा के साथ, पानी एब्जॉर्ब हो गया इसके ऊपर, जब पानी एब्जॉर्ब हुआ तो स्पीड आई बढ़ गया, आई बढ़ा तो ओमेगा घट गया, ओमेगा क्या ये बताओ, नहीं ओमेगा हाफ हो गया ये गिवन है, ओमेगा बताओ नहीं, ओमेगा हाफ हो गया गिवन है, कितने समय में हाफ हुआ ये बताओ, एक स्टेप और ऊपर है, चलो तुम ओमेगा तो बताओ, तुम ओमेगा तो बताओ, तो क्या करेंगे, आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू, ये तो पता ही है सबको। तो आई वन और ओमेगा टू क्या गिवन है, ओमेगा वन बाई टू, आपकी ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाए, क्या होनी चाहिए, हाफ। तो आई वन ओमेगा वन आई टू, मोमेंट इनर्शिया बढ़ गया क्योंकि पानी एब्जॉर्ब हो गया, और इनटू ओमेगा वन बाई टू, ओमेगा वन से ओमेगा वन कैंसल, आई की रेशियो, आई की वैल्यू आ गई। पहले मोमेंट इनर्शिया बिना पानी एब्जॉर्ब किए आई वन है, पानी एब्जॉर्ब करने के बाद आई टू है, राइट, तो ये रेशियो आ गई। अब ये बताओ जब पानी एब्जॉर्ब नहीं किया था तो फिगर क्या है, डिस्क, तो आई वन क्या है, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम नॉट आर स्क्वायर, डन। जब पानी एब्जॉर्ब नहीं किया था फिर तो आई वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और आई वन की वैल्यू कितनी थी, डिस्क की है। अब पानी एब्जॉर्ब करने से डिस्क नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये तो होगा ही होगा, साथ में पानी इज अ पॉइंट मास जो सर्कमफ्लेंस पे इकट्ठा हो गया, पानी का मास कितना इकट्ठा हुआ वन सेकेंड में, कितना पानी गिर रहा है म्यू, टी सेकेंड में कितना पानी गिरेगा म्यू इंटू टी के जी, के जी कर लेते हैं, इतना पानी गिरेगा तो क्यों ना म्यू के जी पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में म्यू पानी गिर रहा है और टी टाइम में म्यू इंटू टी गिरेगा, तो फिर मास, अगर पॉइंट मास है पानी का सर्कमफ्रेंस पे, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर मोमेंट इनर्शिया पानी की वजह से बढ़ गया, तो डिस्क का तो है ही है साथ में पानी का भी बढ़ गया। सॉल्व करके टाइम निकाल लो आंसर, है कि नहीं सही क्वेश्चन। तो पहले अकेली डिस्क घूम रही है, डिस्क घूम रही है,
अब डिस्क के साथ पानी भी घूम रहा है, तो डिस्क और पानी का मोमेंट इनर्शिया बढ़ गया, तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर यहाँ पे, ओमेगा तो आपको पता ही हाफ हो गया, तो यहाँ से आई का रिलेशन में वैल्यूज पुट करके टाइम निकाल लेना आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? ठीक है, यहाँ तक ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा है कि पानी बढ़ने से कितना मास इकट्ठा हुआ, तो सॉल्व करेंगे टाइम की वैल्यू आ गई, ये करना है। क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेट्स फ्रीली अबाउट वर्टिकल एक्सिस, एक डिस्क वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रही है। अ रिंग हैविंग सेम मास एंड रेडियस, एक बिल्कुल आइडेंटिकल रिंग को डिस्क के ऊपर जेंटली क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। आफ्टर सम टाइम टू रोटेट विद कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, कुछ देर के बाद इनका ओमेगा क्या हो जाता है, सेम। क्या निकालना है, प्रूव दैट टू थर्ड ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। मेरे को एक चीज पता है, घूमती हुई डिस्क के ऊपर अगर रिंग रख दी जाए जेंटली तो आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू तो लगेगा ही लगेगा। चलो पहले वही लगा लेते हैं, तो सबसे पहले आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू, पहले सिर्फ और सिर्फ डिस्क घूम रही है, डिस्क का आई क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, और कैसे घूम रही है, ओमेगा नॉट। फिर डिस्क के ऊपर क्या प्लेस कर दिया, रिंग, तो टोटल आई बढ़ गया, कितना हो गया, डिस्क और रिंग का ऐड कर दिया, नया ओमेगा आ गया, सॉल्व करो नया ओमेगा इसके इक्वल आ गया, सही है, और नए ओमेगा इज अ कॉमन वेलोसिटी, तो डिस्क और रिंग इतनी वेलोसिटी से घूम रहे हैं। अब वो कह रहे हैं इस प्रोसेस में देर इज लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस हो गया एनर्जी, कितना लॉस हुआ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अकेली डिस्क की हाफ आई ऑफ डिस्क इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, पहले कौन घूम रहा था, सिर्फ डिस्क घूम रही थी, हाफ इंटू डिस्क का आई इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। फिर बाद में डिस्क और रिंग दोनों घूम रही हैं, तो नई एनर्जी क्या हो गई, हाफ डिस्क प्लस रिंग इंटू नई वेलोसिटी का स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ये आपके पास इनिशियल एनर्जी है सॉल्व करने पे, ये आपके पास फाइनल एनर्जी है सॉल्व करने पे। अब आप एक काम करो, इसमें थोड़ी करेक्शन है, इसमें जब आप इन्हें डिवाइड करते हैं फाइनल और इनिशियल को, आंसर 1/3 आ रहा है, चेक कर लें, इनिशियल और फाइनल को डिवाइड करके आंसर 1/3 आ रहा है। अब फाइनल एनर्जी इज 1/3 ऑफ इनिशियल एनर्जी, तो लॉस कितनी हो गई, 2/3, और वही वो कह रहा है प्रूव करो 2/3 एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में, तो लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट कर देना 2/3 है, और वही आपकी हीट एनर्जी है, प्रूव हो गया। मेथड आपको समझ में आ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे काम कर रहा है इसमें, नहीं कुछ नहीं, जो है बस यही है, लॉस ही हीट में बाहर आएगी, बस जो उनकी अपनी है वो तो अपनी है, लॉस ही हीट की फॉर्म में बाहर आएगी, बात खत्म। जैसे पहले एनर्जी 10 थी, अब रिंग रखने के बाद 8 हो गई, 2 कहां गई, वो गर्म हो गया प्रोसेस में गई, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ये अभी नहीं करना, ये इसकी थ्योरी अभी पड़ी हुई है, ये नहीं करना, ये करना है। है कि टू मेन ईच ऑफ मास एम स्टैंड्स ऑन द रिम ऑफ अ हॉरिजॉन्टल डिस्क, एक ना डिस्क है उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर पे दो बंदे खड़े हैं, आगे डिस्क भी खड़ी हुई है, डिस्क का मास कैपिटल एम है एंड फ्री टू रोटेट है,
कोई फ्रिक्शन नहीं है. ईच मास स्टार्ट साइमल्टेनियसली अलोंग द रिम क्लॉकवाइज एंड रीच ओरिजिनल पोजिशन. दोनों बंदे चलते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं और अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर वापस आ जाते हैं, एक चक्कर पूरा काट देते हैं. अब क्या होगा, अगर ये बोट पे चलता, ये बंदा बोट पे चलता तो बोट पीछे जाती, ये डिस्क पे चला आगे क्लॉकवाइज तो डिस्क कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, डिस्क एंटी क्लॉकवाइज घूम गई. अब एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं, आपसी फोर्स है इनकी, हमने तो कुछ किया नहीं इसमें, आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू वैलिड ही है इसमें. अब वो कह रहे एंगल टर्न बाय द डिस्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, डिस्क कितना घूमी बस ये बता दो. आप बस मुझे ये बता दो कि अगर वो मैन चलता है और एक चक्कर पूरा काटता है और डिस्क बिल्कुल भी ना चलती अगर क्वेश्चन में, तो बोलो मैन का एंगल कवर कितना होता सेंटर पे, टू पाई, पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया तो टू पाई. अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो पूरा चक्कर कंप्लीट करता है टू पाई लेकिन डिस्क उसको फिर पीछे कर देती है, और मान लो डिस्क कितना रोटेट हो गई थीटा, तो मैन की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एंगुलर टू पाई माइनस थीटा, तो चला थीटा कम डिस्प्लेस करेगा, क्लियर हो गया. तो डिस्क अगर थीटा पीछे हो गई तो मैन टू पाई कवर कर लेता लेकिन उसको थीटा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो टू पाई माइनस थीटा उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. पहला रूल क्लियर है. जब एक मैन बोट पे चलता है और बोट पीछे आती है तो एम वन वी वन एम टू वी टू एप्लीकेबल है ना, हमने किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल है. लेकिन उसको लगाने के दो स्टाइल थे और ये मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन के बुकलेट में लिख के दिया हुआ है कि अगर मान लो आपके पास एक बोट है और एक मैन है और अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं एम वन वी वन एम टू वी टू, तो आप ये समझ लेना कि आपने मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी ली है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी ली नहीं है. तो मतलब मैन का मास और वेलोसिटी ऑफ मैन, बोट का मास वेलोसिटी ऑफ बोट. लेकिन अगर कई बुक्स ऐसे लगाती हैं जिसमें एम वन एम टू वी, वो ये मानती हैं कि बोट जब पीछे जाएगी मैन भी पीछे जाएगा, तो इसका मतलब वो क्या ले रही हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ले रही हैं. और इसका प्रूफ हमने वेक्टर्स में और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में किया था, और मैंने कहा था फॉर्मूले में शॉर्टकट नोट कर लेना. तो मैं यही लगाना पसंद करता हूँ हर क्वेश्चन में, नॉर्मली मैं रिलेटिव को थोड़ा अवॉइड कर लेता हूँ. तो एम वन वी वन एम टू वी टू, तो एम वन वी वन एम टू वी टू एब्सोल्यूट वेलोसिटीज है, सेम कॉन्सेप्ट है. जब मैं लगा रहा हूँ आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू, तो ये ओमेगा वन डिस्क की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है और ओमेगा टू मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है. नहीं तो मुझे लगाना पड़ता आई वन प्लस आई टू, लेकिन अगर मैं आई वन प्लस आई टू लगाता यहाँ पे, फिर मेरे को लेनी पड़नी थी रिलेटिव वेलोसिटी, जो मैं नहीं लेना चाहता. ठीक, तो ये देखो डिस्क का मोमेंट इनर्शिया आई वन है, डिस्क कितना घूमी थीटा इन टाइम टी, तो ओमेगा क्या होगा थीटा वन बाई टी, थीटा बाई टी ओमेगा होता है, डी थीटा बाई डी टी. मैन का मोमेंट इनर्शिया आई टू है और मैन कितना घूमा थीटा टू बाई टी, और थीटा टू क्या है टू पाई माइनस थीटा. डिस्क का थीटा वन क्या है थीटा, डिस्क का आई वन क्या है हाफ एम आर स्क्वायर, मैन का क्या है मैन इज अ पॉइंट मास, पॉइंट मास का एम आर स्क्वायर इंटू टू. सॉल्व कर लेना थीटा निकाल लेना, आंसर आ गया.